अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए बनाने लगी हूँ वो है तड़का चना दाल। उसके लिए मुझे जो चना दाल है वो तकरीबन मैंने 2 कप ली थी, और इसमें खसूसियत इस दाल में ये है कि इसमें मलका मसूर भी ऐड है। इन दोनों दालों को मैंने इकट्ठा ही भिगो दिया था और ये अच्छे तरह से साफ साफ सुथरी इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। तकरीबन 1 घंटा इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। और इनके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं, ऑयल और नमक चाहिए मुझे हसबे ज़ायका, और सूखा धनिया पाउडर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून है, मिर्चें 1/2 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1/2 टीस्पून है, प्याज है थोड़ा सा, ये प्याज तड़के के लिए हैं, ये गार्निशिंग के लिए मुझे गरम मसाला अदरक और हरी मिर्चें और धनिया चाहिए, और ये भी तड़के में ये जाएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये ले जी फ्रेंड्स, ये हम इसमें डालेंगे ऑयल तकरीबन ये चम्मच, 1 1½। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज के कलर को अच्छा सा, बहुत ब्राउन नहीं करना लेकिन गोल्डन सा कर लेना आपको कलर। अब ये प्याज का कलर आ गया, अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। अदरक डाल के हम इसमें हरी मिर्ची, टमाटर, नमक और सूखा धनिया, लाल कुटी मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम इसको अच्छा सा भूनेंगे ताकि अच्छा सा एक मसाला तैयार हो जाए। जब अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब ये हमारा अच्छे से मसाला तैयार हो गया, अब इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे। दाल ऐड करके तो हम इसका थोड़ा सा इसको दाल को इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, सिर्फ इतना ऐड करना है जिसमें ये दाल अच्छे से भीग जाए सारी। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/2 लीटर वाटर ऐड किया है। बस अब आप इसको 5 मिनट की स्टीम दे दें। ये जी हमारी दाल तैयार है, और आपने इसको अच्छा सा ज़रा घोटा मारना है ताकि ये अच्छी सी तैयार हो जाए। ये ढाबा स्टाइल दाल है, इसका बहुत मज़ेदार और बड़ा यूनिक सा टेस्ट होता है। इसके तड़के में इसका सारा टेस्ट है। अब उस दौरान जब तक दाल तैयार हो रही है हमने इसका तड़का रख दिया हुआ है। ये प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है, और उसके बाद हम दाल की गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा और कलर आता है। हम इसका आँच बंद कर देते हैं इसी ऑयल में, अभी इसी आँच पे हो जाएगा। उतनी देर हम इसके ऊपर दाल पे ये गरम मसाला, धनिया, मिर्चें और ये अदरक, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसका टेस्ट सारा इसके तड़के में ही है जो हमने शुरू में बनाया था। ये आपकी मज़ेदार से तड़का दाल तैयार है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और भी मज़ेदार रेसिपीज़ मिल सकें। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।